क्या हुए? मैं हूँ, मैं नीचे जूम है तो मैंने जब जिस्तान ओपन किया अंदर रैबिट आए हुए थे। बिल्कुल नहीं आए हुए था। ना करो यार, आओ जल्दी करो, देखते हैं ना किस साइड पे गए। जी बात क्या गई ये दोस्तों, आज कह रहे हैं कि मिनी जू में हमारे रैबिट आए हुए हैं। चले आए दोस्तों, देखते हैं मिनी जू में रैबिट हैं या नहीं, क्योंकि दोस्तों मुझे पहले भी शक था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा घर वगैरह बनाए हुए थे। चले आए देखते हैं यार, क्या पता हमारे मिनी जू में रैबिट वगैरह मिल जाए। माँ तुम दरवाज़ा दरवाज़ा वगैरह बंद करो, कहीं बाहर ना निकल जाएँ। दोस्तों मिनी जू में रैबिट आए हुए, चले आए देखते हैं क्या पता हमें मिल जाए रैबिट वगैरह। आज उनको पकड़ते हैं, हमारे तो नहीं है, शायद किसी और भाई के यहाँ पर मिनी जू में आए हुए हैं। चले आए देखते हैं, अगर हुए तो आज उनको ट्रैप करते हैं किसी न किसी तरह से। मुझे लगता है यार वो जो उस जगह गुरु जो भेल है ना, शायद उसके पास ना हो जी। चलो यहीं देखते हैं, शायद क्या पता वहाँ पे मिल जाए। ये चेक करें दोस्तों, ये एक इधर से उन्होंने घर वगैरह बनाई हुई, तभी मैं बोलूँ माज के मिनी जू में यार जगह जगह सुराख हुए थे ज़मीन में। मैं समझूँ कुछ नहीं, शायद चूहा होगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर रैबिट वगैरह ने घर वगैरह बनाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों दरवाजे के नीचे से उन्होंने आने जाने का रास्ता वगैरह बनाया हुआ था। चले यहीं देखते हैं, देखते हैं वहाँ नीचे आगे पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों शायद इस जगह के ऊपर होंगे हमारे रैबिट्स वगैरह, हमारे तो खैर नहीं है, किसी और के ही हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगते होंगे। ये चेक करें दोस्तों, यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है कि इंसान फिर ना हो जिस बेल के पास ही होंगे। मास तुम उस साइड पे जाके देखना, एक भागे नहीं। अच्छा उनको पकड़ने हैं किसी ने किसी तरह से। ये चेक करें दोस्तों, मास वो बैठे हुए, वो बैठे हुए, जल्दी आओ कुछ चीज़ लेके आओ, जल्दी करो। वो बैठे हुए साइड के ऊपर बैठे हुए, कुछ चीज़ लेके आओ ना, उसको कैसे पकड़ेंगे हम, किस में डालेंगे पकड़ कर। दोस्तों मास कहीं आगे से कहीं से कहीं काट ना ले हमें, कैसे पकड़े अब इसको। बैठा हुआ तो इधर ही है, कुछ चीज़ लेके आओ ना, कोई केज वगैरह लेके आओ, मुझको पकड़ते हैं, भाग ना जाइए इधर से कहीं, जल्दी करो कोई केज लेकर आओ। यहाँ पर रैबिट आए हुए, किसी का आया हुआ था भाग कर माज, हम इसको किसी ने किसी तरह से पकड़ने हैं। अच्छा वैसे इसको जाने नहीं देना, अच्छा कुछ केज वगैरह लेके आओ, उसको पकड़ते हैं, ठीक है। आज से ही पकड़ते हैं, कुछ भी नहीं कहते। ओह नहीं पता चलता माज कि काट ना लें, काटते हैं वैसे, मैंने तो नहीं रखे हुए पहले, आपको पता है। नहीं काटते, नहीं काटते जी। पकड़ते हो आप? नहीं, खुद नहीं पकड़ रहा दोस्तों, मुझे कह रहे हैं आप पकड़ो, काटते नहीं है, पकड़ो यार कुछ भी नहीं होता। मुझे तो डर लग रहा है साजू साजू बोलूँ तो। दोस्तों वो जो बेल है उसके नीचे उन्होंने घर वगैरह बनाई हुई, एक घर उनका उधर है और एक घर इधर, मैं आपको बताता हूँ किधर था मास। ये दोस्तों इस साइड के ऊपर उन्होंने बनाए हुए, इधर से जाते हैं, उधर से निकलते हैं, उधर से जाते हैं, पता नहीं किधर चले जाते हैं आगे से। एक घर उन्होंने उधर बनाए हुए, वो जो बेल लगी हुई है उसके नीचे बनाए हुए उन्होंने। और दोस्तों इस साइड भी मुझे शक है मास, इस साइड की भी शायद ना बनाए हुए, जो रेत नहीं पड़ी हुई दोस्तों, इधर भी शायद उन्होंने कहीं ना कहीं घर बनाए हुए। मैंने उस दिन भी यहाँ पर एक सुराख देखा था, मैं चलें आपको बता देता हूँ दोस्तों। इधर से भी आते जाते हैं, ये इधर से ने बनाए हुए, उस साइड से जा कर निकलते हैं। इधर मतलब घास वगैरह लगा हुआ था काफ़ी ज़्यादा, इधर भी उन्होंने घर वगैरह बनाए हुए जगह जगह दोस्तों, उन्होंने सुराख वगैरह किए हुए। तो माल ये एक और काम करते हैं, मेरा दिल ये करते हैं ना यहाँ पर इनको अच्छा सा घर वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि हमारे मिनी जू में तो आ गए रैबिट। अब इसका सीन हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर घर वगैरह बनाते हैं और इनके साथ और भी ला के रख लेते हैं बाजार से, ताकि हमारे मिनी जू में रैबिट वगैरह भी आ जाएं, वो बाहर वाले भी आएंगे, हमारे अपने वाले भी हो जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके लिए प्रॉपर एक अच्छा सा घर वगैरह बनाते हैं मिनी जू में, ताकि वो यहाँ पर रहें, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। छोड़ो दिल ये करते हैं कि यार हम अपने मिनी जू में एक अच्छा सा कोई घर वगैरह बना लेते हैं। दोस्तों एक जगह इधर इन दरख्तों के पास है, ये इधर मतलब ये है कि इस वजह से बना रहे हैं छुपी हुई जगह, क्योंकि मैंने सुना है खरगोश जो होते हैं ज़्यादा छुपी हुई जगह पर घर बनाते हैं, जैसे वो सामने उन्होंने बेल के पास बनाए हुए तो उधर ही मतलब उनको अच्छी प्राइवेसी वगैरह मिल जाएगी। मेरा दिल करते हैं यहाँ पर उनको घर वगैरह बनाते हैं, ब्लॉक हमारे पास वैसे ही बड़े हुए हैं, यहाँ पर उनको अच्छा सा घर वगैरह बना के उनको दे देते हैं, ताकि वो यहाँ पर ही रहें, तो इनके साथ हम और भी ला के रख लेंगे कोई अच्छे से। मास इन खरगोशों में कौन कौन सी नस्लें होती हैं, कुछ पता है इनके बारे में? नहीं मुझे नहीं पता। हाँ मुझे कौन सा पता है, तुम्हें नहीं पता, उन रखे हुए थे ना, नहीं पता तुम्हें। दोस्तों हम यहाँ पर उनको घर वगैरह बनाते हैं, ब्लॉक वगैरह हमारे पास पड़े हुए हैं, अपनी और भी लेकर आने कैजेस वगैरह के लिए। अब इंशाल्लाह मिनी जू का जो काम था वो प्रॉपर स्टार्ट हो चुके हैं, इंशाल्लाह अभी हमारे पास और ब्लॉक वगैरह रह के आने रहे, तुम्हारे पास पड़ी हुई है, तो मिनी जू का जो काम है वो प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं हम। दोस्तों साइड पर खैर तो नहीं है, इतनी जल्दी नहीं भाग सकता दोस्तों, आया इस साइड पर, ये झाड़ियों वाली साइड आए हुए, हम देखते हैं शायद दोस्तों हमें मिल जाए। दोस्तों वो सामने चेक करें दोस्तों, जवाद जवाद इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, नजर आ गए मुझे, वो चेक करो दोस्तों, वो सामने चेक करें, ये देखो इस जगह पर, देखो जवाद, इस जगह ये देखो, इस जगह के ऊपर मैंने अपनी आंखों से देखे, वो खुद उस साइड पर, किस साइड, अब दूसरे से रास्ते ही बंद है, जवाद किधर से जाए दोस्तों, वो साइड के ऊपर बैठा हुए यार, नीचे वाली साइड जाए, लेकिन उधर भी रास्ता बंद है दोस्तों, इतने इतना ज्यादा रास्ता बंद है, ये चेक करें जवाद, क्या करें आप दोस्तों, साइड के ऊपर बैठे हुए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, जवाद ऊपर वाली साइड से जाते हैं, उस साइड पे जाते हैं, इधर से दोस्तों आगे नीचे रास्ता जाते हैं, उस साइड के ऊपर बैठे हुए होगा, मैं जवाद मैं जा रहा हूँ, अच्छा
बस ठीक है, तुम देखने साइड से नहीं निकल जाए, ठीक है हम उस साइड देखते हैं। ये दोस्तों ये चेक करें, ये रास्ता बना हुआ है, मुझे यहाँ पर शक है दोस्तों यहाँ पर ना हो, क्योंकि देखें यहाँ से रास्ता मेरा ही बना हुआ है, मुझे शक है कि उसने अपना घर यहाँ कहीं बनाया हुए। मैं जा रहा हूँ उस साइड की फिर जा रहा हूँ, दूसरा रास्ता उसका बना हुआ है दोस्तों, ये उसका दूसरा रास्ते, अब यहीं कहीं छुप के बैठा हुआ है। ये चेक करें ऊपर ऊपर कितनी ज़्यादा झाड़ियाँ, उसकी दूसरी साइड में आ चुका हूँ जिस जगह मैंने देखा था। जुहाद मिले उस साइड पे नहीं, बस इसका मतलब है जुहाद यहाँ पर ही कहीं छुपा हुआ है। अभी इसको कैसे पकड़े यार, हमारे पास मोबाइल है, उसके ऊपर कोई आवाज़ वगैरह लगाओ, क्या पता वो ये समझ के आ जाए कि मेरी माँ आ गई है, ठीक है ऐसे तुम आवाज़ वगैरह लगाओ उसकी, क्या पता आ जाए यार। दोस्तों यहाँ पर यकीन कर, इतना प्यारा छोटा सा बच्चा है टाइगर का, हमने खुद देखी अपनी आंखों से दोस्तों। अभी इसको किसी न किसी तरह से पकड़ते हैं हम। जुहाद उस साइड की ओर बैठा हुआ है यार, एक काम ना करें जुहाद, ये लो तुम ये छड़ी लो, उस साइड पर जाके इसको झाड़ियों के ऊपर मारो, क्या पता डर के साइड पर आ जाए। दोस्तों जैसे ही आ गए इंशाल्लाह हम उसको पकड़ लेंगे, अब उसका मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने देख लिया पहले, हमें पता नहीं था किस साइड पर भागे, लेकिन जैसे ही मैंने अब खुद अपनी आंखों से देखे कि यहीं कहीं छुप के बैठा हुए, वो हमें देख के खुद डर रहे कि कहीं पकड़ ना ले मुझे, लेकिन दोस्तों अभी वहाँ पर आ गया। तो दोस्तों हमारा मेन मकसद ये है कि हम उसको हमने रेस्क्यू करने यहाँ से, यकीन करें जितने भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो सारे उसके ऊपर मतलब जिधर जिसको नज़र आते हैं पत्थर मारते हैं कि भी क्या करते हैं, हम उसको यहाँ से लेके जाएंगे कोई अच्छी जगह वहाँ पर उसको रखेंगे, ताकि वो फिर दोबारा यहाँ से रेस्क्यू हो जाए, ताकि उसको अपने ख्याल रख ले, उसको जगह पर जा के रखेंगे जहाँ पर वो सेफ़ हो। यहाँ पर दोस्तों यकीन करें जितने भी लोग हैं वो देख करें, उससे बकरियाँ वगैरह भी हैं यहाँ पर, लोगों के लिए भी खतरे हैं और जो उसके लिए भी खतरे हैं, जहाँ पर नज़र आते लोग उसको मारते हैं। जवाब क्या करें अब, यहाँ पे मैं देख तो रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है वो अंदर चला गया, अंदर चला गया दोस्तों। यहाँ पर इधर से वहाँ तक, उधर से फिर इससे दीवार तक, इस साइड के ऊपर भी बनाएंगे, मतलब ये जो जगह एरिया आपको नज़र आ रहा है सारे मार के जिस फेर होंगे, और ये आगे वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है उसमें हम सारा साफ करेंगे, यहाँ पर मतलब घास फेरा लगाएंगे, तो उसके यार ये काफ़ी ज़्यादा मतलब घास बड़ा हुआ था, इसको सबको काटे, तो अभी इंशाल्लाह हम इसको सही तरह से करके बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम नीचे को वैसे ही छोड़ा हुआ था, तकरीबन बीच में कुछ मुसीफियात आ गई थी इस वजह से, तो फाइनली अब इंशाल्लाह मेरी जो काम जो है दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम अपने सारे म्यूजिक को इसकी डेकोरेशन वगैरह करके इंशाल्लाह इसको बिल्कुल ओके करेंगे, फिर इंशाल्लाह आप भाइयों में से जिस भाई का दिल करे आप हमारे मिनी जू के ऊपर आएँ, वीडियोज़ वगैरह बनाएं, आएँ विजिट करें मानी हमारे मिनी जू का। और इंशाल्लाह दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यार कहाँ इस यहाँ पर जो घास है काफ़ी बड़ा फिर भी छोटा छोटा लगा हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको भी साफ़ करेंगे हम, यहाँ पर जो दूसरा घास मिलते हैं वो ला के लगाएंगे इधर, तो इंशाल्लाह फिर हमारा मिनी जू काफ़ी प्यारा लगेगा। तो यार यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने दरख्त वगैरह लाए थे, तो यहाँ पर दोस्तों ये सारे बड़े बड़े हो चुके हैं, ये चेक करें आप सारे बड़े बड़े हो गए, एक उधर लगाए हुए वो देखें माशाल्लाह से वो भी काफ़ी बड़े हो गए। इसके अलावा आपको याद होगा कि लास्ट फ्लाग जब मैंने म्यूजिक अपलोड किया था तो यहाँ पर ही हमने छोटी सी लगाई थी बेल वगैरह, ये चेक करें यार काफ़ी बड़ी हो गई है। अब दोस्तों हमने करना क्या है कि यहाँ पर यार हमने जो वो क्या कहते हैं यार उसे जो वायर होती है वो ला के लगाएंगे ऊपर, ताँगे या